जनपद हापुड़ में अवैध खनन का धंधा तेजी से चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकारियों की नाक के नीचे ये धंधा चल रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि इन डंपरों पर हाथ डालने से कतराते हैं। हाल ही में देहात क्षेत्र की मेरठ रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक स्कॉर्पियो कार में भी सड़क पर यमदूत बनकर दौड़ते डंपर ने टक्कर मार दी थी, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन डंपरों पर ना तो नंबर अंकित है और ये नियम विरुद्ध सड़कों पर दौड़ते हैं, जो कि अवैध खनन में शामिल है। ऐसे में कई विभाग के अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। अधिकारी ना जाने क्यों इन डंपरों पर कार्रवाई करने से कतराते हैं। वैसे तो वाहनों की चेकिंग भी की जाती है, बुलेट मोटरसाइकिल के खिलाफ भी अभियान चलाया जाता है, स्कूली वाहनों को भी चेकिंग के नाम पर रोका जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात के समय सभी अधिकारी गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डंपर खुलेआम सड़कों पर दौड़ते हैं, जो अवैध खनन को अंजाम देते हैं, साथ ही सड़क हादसों को भी न्योता देते हैं। आपको बता दें कि इन डंपरों के चालक नौसिखिए हैं। यदि विभाग सतर्क हो जाए और कार्रवाई करे तो राजस्व की भी प्राप्ति होगी और अवैध रूप से चल रहे खनन पर विराम लगेगा।